ये सामने घाटी है, कत्यूर घाटी इसको बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं इसको, वो कत्यूर घाटी का एक विहंगम दृश्य हमारे सामने नजर आ रहा है। बैजनाथ धाम आने के लिए जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो काल गोदाम है। काल गोदाम से 144 किलोमीटर की बस से यात्रा करके आप बैजनाथ धाम पहुंच सकते हैं, जो गरुड़ में है। और ये गरुड़ में ये नदी गोमती नदी है, जो ग्वालदम की तरफ से आ रही है, गोमती। तो ग्वालदम से गोमती आते हुए रही है और आगे बागेश्वर में जाती है, सरयू से मिलेगी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पत्थर लगा है, बैजनाथ मंदिर समूह बागेश्वर। ये हमारी विरासत, हमारा गौरव, गोमती नदी के किनारे उसके उत्तरी छोर पे बैजनाथ मंदिर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ बैजनाथ मंदिर में। आपको दिखा रहे हैं बैजनाथ के मंदिर, जो गरुड़ में है, जिला बागेश्वर है बैजनाथ का, गोमती के किनारे। तो ये मंदिर को भी देखने अंदर चलते हैं। तो चलें अंदर, मंदिर देख के आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मंदिर को देखें। मंदिर के सामने ये सरोवर है। मंदिर समूह बैजनाथ, नागर शैली में निर्मित यह प्राचीन मंदिर समूह बैजनाथ, ये बैजनाथ मंदिर समूह जो कत्यूरी शासकों द्वारा 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य बनाया गया, नागर शैली का ये मंदिर है। और खूबसूरत मंदिरों के समूह हैं, कई मंदिर हैं जो शिव को समर्पित हैं, पार्वती को समर्पित हैं। पर ये मंदिर का ये स्टोन्स के ऊपर कार्विंग मूर्तियां हैं। ये मूर्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मूर्ति यहाँ बनी हुई है। और साथ में ये आप देखिएगा, एक मूर्ति ये है, पत्थरों पर बनी गई मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये जो बैजनाथ मंदिर समूह है, इसमें ये गणेश जी का मंदिर है और जिसके प्रवेश द्वार पे हम जा रहे हैं। और ये प्रवेश द्वार के ऊपर ये एक मूर्ति बनी है, संभवतः गणेश की ही। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ये यहाँ पर देखें आप इसको, ये मंदिर के अंदर ये मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग है, शिव है, और साथ में गणेश की ये हाथ मूर्ति, इसको देख रहे हैं, गणेश की मूर्ति यहाँ पे लगी है, पत्थर पे बनी है। प्राचीन मंदिर है, 9वीं सदी का ये मंदिर का गर्भगृह है। नागर शैली में निर्मित यह प्राचीन मंदिर समूह बैजनाथ वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वो नंदी बने हैं, शिवलिंग है एक। ये इस समूह का मुख्य मंदिर है गणेश का, अभी पीछे देखा, ये शिव और पार्वती का ये मंदिर जो समर्पित शिव और पार्वती को कत्यूरियों ने किया, ये इसका, इस समूह का मुख्य मंदिर, जहाँ पे आप पत्थरों पर जो अपना सैंडस्टोन है, इस पर बनी हुई मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, कुछ खंडित हैं, कुछ सही हैं। 9वीं-10वीं सदी इसमें लिखा है, 9th-10th century AD के बने ये मंदिर। ये ब्राह्मणी देवी का मंदिर है, 12th century AD का बना हुआ, जो अभी बंद पड़ा है। इसके द्वार पे ताले लगे हैं, जिसमें सील लगी है बाकायदा सरकार की। और ये लोग कुछ बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर यहाँ की जो मूर्तियाँ चारों तरफ की हैं वो इसके अंदर रखी हैं और सुरक्षित रहें, इसीलिए वो सील्ड है। 12th century का ये गणेश जी की मूर्ति है। आज आपने देखा ये गरुड़ के अंदर बैजनाथ टेंपल। बैजनाथ टेंपल को देखना एक अपने आप में, ये भी एक कत्यूरी युग में जाने के जैसा ही है। तो फिर आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा घुमक्कड़ चाल रहा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखते हैं। अगली बार किसी नई जगह पर, नए सब मुद्दे के साथ में, नई जगह पर, नए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।